आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, अगर आप लहसुन खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी जानते हैं बहुत गुणकारी औषधि है, पर कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। तो आज हम सभी जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, अन्यथा उनको फायदे की जगह नुकसान होता है। जी हाँ, कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको इस बारे में पूर्णतः जानकारी मिलेगी। सबसे पहला है, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है उन्हें लहसुन अवॉइड करना चाहिए, इससे इरिटेशन होता है और एलर्जी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो इसीलिए जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है उन्हें लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनको डायरिया हो, जी हाँ, लहसुन की तासीर गर्म होती है, अगर डायरिया के पेशेंट्स इसे खाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा एनीमिया, यानी कि जिसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो, ज्यादा लहसुन खाने से हीमोलिटिक एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है आपकी बॉडी में, तो इसीलिए एनीमिया वाले पेशेंट्स को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लीवर डिजीज वालों को, जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेन स्टेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीवर डिजीज के पेशेंट्स को लहसुन नहीं खाना चाहिए, इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, पेट में अल्सर बन सकता है। इसीलिए जिनको लीवर की समस्या है उन्हें नहीं खाना चाहिए लहसुन। इसके अलावा जिनके भी अल्सर हो, अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो लहसुन नहीं खाना है, इससे आपके अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर इनमें से कोई भी एक है किसी को तो उसे लहसुन का सेवन करने से रोकती हैं, यानी कि रोक लेना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे लोगों को लहसुन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि लहसुन का सेवन किन्हें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं, जो कि आपने ये नुकसान सुना इससे कई गुना ज़्यादा फायदेमंद ये गुणकारी औषधि है, बाकी सभी लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए कैसे करना चाहिए, पूर्णतः जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पड़े हुए एपिसोड लहसुन के फायदे और नुकसान जरूर देखें, आपको उसमें कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।